पहली बड़ी खबर आपको बता दें, नाला सोपारा की अचोले रोड पुलिस स्टेशन के पास सालों से भरा गंदा पानी और कचरा, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। लोगों ने इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर वसई विरार से बता दें, दही हंडी उत्सव के दौरान नाला सोपारा की अचोले में हुई मारपीट मामले में रूपेश जाधव का नाम उछाले जाने का कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नाला सोपारा के व्यापारी और एक्टिविस्ट अरुण श्रीवास्तव पर हमले को लेकर श्रीवास्तव समर्थकों में असंतोष। सोशल मीडिया के माध्यम से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पालघर के सांसद राजेंद्र गावित ने अपने लोकसभा में मीरा रोड से वसई विरार मेट्रो शुरू करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, वसई विरार में मुंबई से लापता व्यवसायी का शव विरार के सिरसाट फाटा वर्तक फार्म के पास मिला। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जन आक्रोश मोर्चा निकालेगी वसई विरार में भाजपा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी अधिकारियों ने अनदेखी के खिलाफ भाजपा अब जन आक्रोश मोर्चा वसई विरार महानगर पालिका के खिलाफ निकालेगी। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। इस बुलेटिन में, इस खबर में हम आपसे बात करेंगे आपसे एक समस्या को लेकर। यह समस्या है नाला सोपारा की। नाला सोपारा से अगर आप वसई की तरफ जा रहे होंगे या वसई की तरफ से आप एवरशाइन होके नाला सोपारा स्टेशन की तरफ आ रहे होंगे, तो इस दौरान आपको एक पानी की टंकी दिखती है जहाँ पे अचोले पुलिस स्टेशन बना हुआ है। इस पुलिस स्टेशन से अगर आपको गुजरना है, पुलिस स्टेशन के पास से एक बेहद ही समस्यात्मक दृश्य आपको दिखता होगा जो 12 महीने का है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन वहां पे गंदगी भरा पानी जो है वो सड़कों पे बहता रहता है। ये समस्या महानगर पालिका द्वारा उपजाई गई है। मैं सीधे शब्दों में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो प्लानिंग हमने जो वहां पे निरीक्षण करने के बाद हमने जो पाया कि ये महानगर पालिका के लोग जो प्लानिंग करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, और इंजीनियर्स की डिग्री लेके बैठने वाले लोग, उनको ये समझ में क्यों नहीं आता है कि जहां पे हाइट रहती है पानी वहां पे नहीं चढ़ता है, जहां पे हाइट कम रहती है वहां पे पानी जाता है। आपको तस्वीरों में जो दिख रहा है ये नजारा है अचोले पुलिस स्टेशन के पास का, जो नाला सोपारा से अभी एक नया पुलिस स्टेशन बना है अचोले। अगर आप उस रास्ते से जा रहे हैं, आप देखिए लोगों को चलने में कितनी समस्या हो रही है। वहां पे पानी इतना गंदा है, उसमें गोबर है, उसमें मल मूत्र है, तमाम सारे फ्लैट से जो निकला हुआ कचरा है, वो झोपड़पट्टी का जो कचरा है, और या कह लीजिए वहां पे जो तबेले हैं उनके द्वारा जो बहाया गया नालों में गोबर है, वो सारा आपको इन तस्वीरों में दिख रहा होगा। इन झोपड़पट्टियों से निकला हुआ सारा कचरा कहां जा रहा है आप वो भी देखिए, ये सीधा एवरशाइन की तरफ जा रहा है, जहां पे जैसे पॉश एरिया कहा जाता था, लेकिन वो पॉश नहीं रहा क्योंकि उसके पड़ोस में ये जो एरिया बसा है, यहां से जो कचरा है वो कचरे भरा पानी नाले की जगह सड़कों पे बह रहा है, और ये 365 दिन इसी रास्ते पर बह रहा है। और उधर से आने जाने वाले लोग, यानी उसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें अधिकारी भी होंगे, उसमें पुलिसकर्मी भी होंगे, उसमें सामान्य लोग भी होंगे, एक्टिविस्ट भी होंगे, सबकी नजर पड़ी। और जब हमने पड़ताल की तो उसमें शिकायतकर्ता भी सामने आया, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, और उन्होंने कहा कि हम इस बात की शिकायत ठाकरे साहब जो वहां के इंजीनियर हैं, मैंने उनको भी किया, और भी डिपार्टमेंटल लोग हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं जो झाड़ू मारते हैं, अगर उनकी शिकायत होती है तो झाड़ू मारते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं होता, लेकिन वहां झाड़ू मारने जैसी स्थिति नहीं क्योंकि वहां पे कचरे का अंबार है। देखिए वहां की जो समाज सेविका है, वहां की भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी और जो नेता है पूनम बिड़लान, उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा। मैडम आपका नाम क्या है और ये जो नाले की समस्या है उसके बारे में क्या कहेंगी? मेरा नाम पूनम बिड़लान है। ये समस्या तकरीबन 1 साल से ऐसे ही है। हम लोग नगर पालिका को सूचित कर चुके हैं, लेटर मतलब पत्र व्यवहार हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो लोग आते हैं साफ करके चले जाते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये नाला गलत बनाया। हम लोग उसी टाइम बोल रहे थे इसका ऐसे ढलान है तो ये ऐसे ही बनना चाहिए। आप इसको एक बार साफ करेंगे अगले दिन फिर भर जाता है ये। अब सोचो इतनी बड़ा ये है, पहले सिर्फ ये हमारी चाली के लिए नाला बना था, अभी बिल्डिंग बनी है, पीछे बिल्डिंग बनी है, सब इसमें ही जोड़ दिया है। ये भरा रहता है बार बार, कितना भी कंप्लेंट करो इसका कुछ नहीं होता। तब तक ये दोबारा नहीं बनेगा ना गटर, इसका कोई ये नहीं होने वाला, और कोई हमारी सुनवाई भी नहीं करते हैं। हम लोग बहुत बार पत्र व्यवहार कर चुके हैं। जी जी, आपने महानगर पालिका अधिकारियों से जो आपने बताया था, फिर आरोग्य विभाग जो है, ये आरोग्य विभाग की तरफ से आपको जो आश्वासन या सफाई, ये अभी तक कितनी बार किया है इन्होंने 1 साल के अंदर? ये सफाई तकरीबन 5-6 बार किया है, वो भी बारिश के टाइम किया है, उससे पहले कभी नहीं आए। जी जी, तो ये लगातार जो पानी बह रहा है ये तो पूरा गटर गंदगी है ये, तो आप लोगों की क्या स्थिति हो पा रही हो? आप यहाँ रहते हो ना? यहाँ बच्चे बीमार होते रहते हैं बार बार, आप कभी शाम को आके देखेंगे डॉक्टर के बाहर लाइन लगी रहती है, 12 बजे क्लिनिक बंद होता है।
जी जी, सामने बच्चे बीमार है। मैडम आपने अभी तक किन अधिकारियों से बातचीत की है और क्या रिस्पॉन्स दिया उन्होंने? हम लोगों की इंजीनियर से बात हुई है। क्या नाम है साहब का? मयूर साथी और दूसरे एकनाथ ठाकरे जो ये बांधकाम विभाग में है प्रभागडी में, उनको हम लोगों ने पत्र दिया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी 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 जी, अभी आपका कहना क्या है? ये जो स्थिति है ये बड़ी खराब स्थिति है, आप क्या कहेंगे अभी फिलहाल, क्या आप आग्रह करेंगे महानगर पालिका? तो यही कर रहे हैं कि हमें ये गड्ढे बनवा के दीजिए। ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, कम से कम 250-300 परिवार पीछे रहते हैं, सबकी समस्या है। यहाँ रेगुलर महावितरण में कम से कम 100-150 लोग आते हैं बिल भरने के लिए या कुछ भी करने के लिए। जी, उन लोगों को इस गंदे पानी से निकलना पड़ता है। एक साल हो गया हम लोग परेशान है, सबको बोल बोल के कोई सुनाई नहीं करता है। सभ्य समाज की जब बात शुरू होती है तो वहाँ पे बहुत सारे पर्यावरणविद आते हैं, बहुत सारे जानकार लोग आते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सारे लोग आके और पर्यावरण पे बयान और व्याख्यान देते हैं। लेकिन मुझे इतना जरूर विश्वास है कि इस रास्ते से गुजरने वाले ऐसे बहुत सारे बहुतायत लोग गुजरे होंगे जिनको ये दिख रहा होगा कि वास्तव में एक खुला कचरा जो है, पूरी तरीके से सीवेज वेस्टेज का जो कचरा है वो सीधा सड़कों पे बहाया जा रहा है और इसमें से बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं वो भी इसी में से जा रहे हैं, पैर उनके डूब रहे हैं कचरे में। आप देखिए क्या तस्वीर बता रही है, कितनी दुखद तस्वीर है। और ये महानगर पालिका में और एक प्राइम प्लेस कह लीजिए एवरशाइन और ऊपर से अछोले पुलिस स्टेशन है, वो पुलिस स्टेशन के सामने की तस्वीरें हैं। आप सोच सकते हैं कि उस कचरे से गुजरते वक्त लोगों की मानसिक स्थिति क्या होगी और उससे भी बुरी स्थिति उन लोगों की होगी जो वहां पे परमानेंटली रह रहे हैं। महानगर पालिका के अधिकारियों से क्या ये दरख्वास्त करना गलत है कि उस पे बंद कर दिया जाए? वो जो स्पॉट है वो इतना गंदगी भरा क्यों है? क्या उस पे काम नहीं हो सकता? इतना गुड़ विषय है क्या वो जिसपे वो कार्य नहीं हो सकता? या फिर वहाँ के लोगों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया है? महानगर पालिका के जो बड़े कमिश्नर हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं, उनको शायद ये जानकारी वहां तक नहीं पहुंची हो, उनके पास तक जानकारी नहीं पहुंची हो। लेकिन डी प्रभाग, प्रभाग समिति डी जिनका वो अछोले क्षेत्र है, वहां के जो सहायक आयुक्त हैं या फिर उनके जो लोग हैं, सैनिटेशन है या फिर जो उनके आरोग्य विभाग के कर्मचारी हैं जिनका सिर्फ यही जिम्मेदारी, जिनका सिर्फ यही काम है, जिनकी सिर्फ यही जिम्मेदारी है, वो आखिर क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्यों क्या प्लान किया है, ये बात की जानकारी जरूर सीनियर अधिकारियों को लेनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि 365 दिन में ये समस्या दूर क्यों नहीं हो रही। अगर ये समस्या दूर नहीं की जा सकती थी तो उसके बारे में महानगर पालिका के ये इंजीनियरों ने क्या प्लान दिया है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास अपना क्या अप्रूवल करने के लिए क्या बजट भेजा, किस तरीके का प्लान किया है कि ये समस्या से निजात पाई जा सकती है। यानी वसई विरार में आप हैं तो आपके लिए सड़कें समस्या है, आपके लिए तालाब समस्या है, आपके लिए गार्डन समस्या है, आपके लिए आपका एरिया समस्या है, आपके यहाँ अगर स्लम है तो आपके यहाँ नाला समस्या है और जानलेवा भी है। घटनाएं बार बार हो रही हैं, कई बार हो रही हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं इम्पोर्टेंटली, जिससे अधिकारियों का अपना व्यक्तिगत विकास हो रहा है, शहर का विकास हो नहीं हो। तो ये महानगर पालिका क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वसई विरार में, आंकड़े बताते हैं कि 25 लाख लोग रहते हैं, 30 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 60-70% अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, बहुत सारे अपने अपने एरिया में गटर पानी, ढक्कन, सड़क, लाइट, बिजली, बत्ती के लिए भी एक्टिविज्म करते हैं, बत्ती लगवाते हैं, उसकी भी फोटो आती है, नाले पे जो ढक्कन नहीं रहता उसकी फोटोज आती हैं। लेकिन ये महानगर पालिका अधिकारी कर्मचारी 60% आदमी उनके पीछे लगे हुए हैं, दिन भर यही खबर आती है कि भाई साहब ये यहाँ पे एक समस्या है उसको सुलझा दीजिए, लेकिन वो सालों साल नहीं सुलझती। आखिर ये पेमेंट किस बात की लेते हैं जनता से और जनता के लिए इनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय होती? आखिर ये अधिकारी क्यों कार्य नहीं करते और अगर कार्य नहीं करते तो ये फिर करते क्या है? जनता को सवाल पूछना चाहिए महानगर पालिका से, महानगर पालिका के इन अधिकारियों से जो एसी केबिनों में बैठ के एसी गाड़ियों से निकल के चुपचाप अपने घर जाते हैं और महीने की सैलरी क्रेडिट होती है।